हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएम विद दिव्या। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 11th का, जो कि है यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत भी से हिंदी में कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे खोज सिद्धांत, उदाहरण एवं उपयोग, बोशान और फर्मियान क्या होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाउली का अपवर्जन नियम हम बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि पाउली का अपवर्जन लॉ होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम उसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या होता है कि किस सिद्धांत पे वो काम करता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। कितने क्वांटम संख्याएं होती हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या बताया गया है, मेन सिद्धांत पाउली क्या बोलता है कि किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, के लिए चार जो क्वांटम संख्याएं होती है उनके जो है मान सेम नहीं हो सकते। उसमें से तीन वैल्यू सेम हो सकते हैं लेकिन जो फोर्थ वैल्यू होगा वो कभी भी समान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनके जो स्पिन होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो होते हैं। एक ही शेल में दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है मैक्सिमम, सो उसमें एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एन एल एम के मान तो सेम हो सकते हैं बट जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होता है। देन इसका हम एक तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, दो समान फर्मियान एक ही समय में एक समान क्वांटम स्थिति में नहीं रह सकते हैं। ये जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ों को यहाँ पे परिभाषा के फॉर्म में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं इसके आविष्कारक कौन थे, किन्होंने क्या किया, किसने किया पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का आविष्कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नियम की खोज सन 1925 में किसने किया था, वुल्फगांग पाउली ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अपवर्जन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपवर्जन का क्या अर्थ हो सकता है हम ये देखते हैं। अपवर्जन का यहाँ पे अर्थ हो सकता है छोड़ना या अलग नियम लागू करना, ठीक है, इत्यादि और भी इसके मीनिंग हो सकते हैं। इसे पाउली का एक्सक्लूजन लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसने दिया था, वुल्फगांग पाउली ने दिया था, इसलिए उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया उसे अपने ही नाम में क्या रखा, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम इसमें जो जो मुख्य तथ्य आने वाले हैं ये बातों को देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समान अवस्था वाले, समान गुणधर्म वाले दो कण जिनके वेग, कलर, चार्ज, कोणीय संवेग इत्यादि समान हो, किसी एक समय में किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। मतलब उसमें से दो कण आपका कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें उसका जो है वेग, कोणीय संवेग, चार्ज, कलर, ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, एक ही समय में एक जैसे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन को परमाणु कक्षकों में भरते समय एन प्लस एल नियम को फॉलो करते हैं। एन प्लस रूल क्या होता है, इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगी आप लोग के लिए आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एन प्लस रूल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, एल जो है वो भी एक क्वांटम नंबर है, तो जब एन और एल को प्लस करते हैं दोनों वैल्यू को तो वो क्या बनता है, एन प्लस एल का रूल होता है। और सबसे कम जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू होगी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किया जाता है। अर्थात जिस कक्षक के लिए एन क्वांटम संख्या और एल क्वांटम संख्या का मान न्यूनतम होगा इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी कक्षा में भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि n प्लस एल की वैल्यू अगर हम निकालते हैं उसके बाद सबसे पहले किस में जाएगा उस पर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताया है। यदि आपके पास तीन कक्षक हैं, कौन कौन से कक्षक हैं, 4s 3p 5p 3 कक्षक हैं, तब n प्लस रूल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं 3p की वैल्यू, n की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है। ठीक है, देन उसके बाद l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने l के कुछ वैल्यूज होते हैं, s p d f आगे जाएंगे g उसके बाद, तो उसके लिए वैल्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या वैल्यूज हैं। देखिए s के लिए जो है l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो 3p, ठीक है, n की वैल्यू 3 हो गई, p की वैल्यू यहाँ पे, p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस किया है। देन 4s के लिए देखो, s के लिए वैल्यू क्या होता है, l की 0 होती है, इसलिए 4 प्लस 0 मतलब कि 4 आएगा। एंड सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे 5 प्लस 1,
फाइव प्लस वन मतलब कि यहाँ पे गलती से फाइव आ गया है, यहाँ पे एक्चुअल में आएगा सिक्स, ठीक है। तो फाइव प्लस वन कितना होगा वहां पे, सिक्स होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फोर फोर और यहाँ पे सिक्स आएगा। देन अब रूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं 1s, 2s, 3s ऐसे जाता है, मतलब n की वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। वैसे तो सबसे पहले हमारा इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने देखा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 3p शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 4s शेल में जाएगा, उसके बाद लास्ट कहां जाएगा, 5p शेल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्मियान एवं बोसॉन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो फर्मियान और बोसॉन होते हैं उसमें देखिए, फर्मियान जो कण इस सिद्धांत का पालन करते हैं, इस सिद्धांत मतलब कि हमने जो पाउलिस एक्सक्लूजन लॉ अभी पढ़ा है, डिस्कस किया है, अगर वो क्या करते हैं, इस लॉ को फॉलो करते हैं, मींस कि n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, तो वो कण क्या होते हैं, फर्मियॉन कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि यहाँ पे फर्मियॉन होते हैं। वैसे ही सेम देख सकते हैं, जो क्या करते हैं, इस सिद्धांत का पालन नहीं करते, मतलब कि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, बोसॉन होते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है, फोटोन है, ग्लूकोन है, गेज बोसॉन है इत्यादि, यहाँ पे हम बोसॉन के एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मॉलिक्यूल का प्राइमरी स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेल के अराउंड मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, फर्मियॉन के। एंड एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बोसॉन्स क्या क्या है, यहाँ पे फोटोन, ग्लूकोन एंड फर्मियॉन क्या क्या है, यहाँ पे लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रियोन, ठीक है, इत्यादि यहाँ पे हमारे फर्मियॉन एंड बोसॉन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा अपवर्जन सिद्धांत के उदाहरण देख लेते हैं, कुछ पॉलिस एक्सक्लूजन लॉ है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम और एक दो उदाहरण यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, n की वैल्यू एक अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर, मतलब n की वैल्यू एक होता है मतलब क्या होता है, वो प्राइमरी एनर्जी स्टेट होता है, ठीक है। सो n बराबर एक अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m तथा s के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले हम n, l, m, s के मान निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू एक के लिए, ठीक है, n बराबर एक में केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n बराबर एक मतलब कौन सा शेल होगा, एस शेल, ठीक है। तो s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन। एक अगर आपके पास एक कक्षक है तो एक कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे बोला गया है जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, अब n की वैल्यू एक के लिए क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे ही बताया है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में क्या बताया कि n की वैल्यू होती है, ठीक है, उसके बाद l की वैल्यू s pdf के लिए अलग अलग होती है, तो s के लिए क्या होगा, l की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब s की वैल्यू वहाँ पे जीरो है, ठीक है, l के लिए, तो वहाँ पे m की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होगी। एंड स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे देखेंगे तो एक तो एक जो है इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 1s 2 है, मतलब कि s शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम n, l, m और s के मान देखते हैं, वैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या करेंगे, n, l, m और s के वैल्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, एंड स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ, मतलब प्लस हाफ। तो प्लस हाफ का मतलब वो क्या है, यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा। वैसे ही हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी देख सकते हैं, n, l, m, ये वैल्यू तीनों तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो प्लस हाफ था वही क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, देखिए जो इसका मूवमेंट है एक तरीके से, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मैंने बताया है, वो क्या है, इनका स्पिन दूसरा है, तो इसका स्पिन हमारा डाउन साइड है और इसका स्पिन हमारा अपर साइड है, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। तो ये हमारा s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए मैंने इसको प्लस हाफ लिखा है, एंड इस डायरेक्शन डाउन साइड में है, इसलिए इसका क्या हो गया, वैल्यू माइनस में हो गया। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे
यहाँ पर हम बात करते हैं अपर्जन सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में, मतलब कि पॉलिस एक्सक्लूजन लॉ तो पॉलिस ने दे दिया लेकिन उसका यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला यूज है उसका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या अर्थात जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं और एन से दर्शाते हैं, ठीक है, में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, परमाणु के किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तरों मतलब कि एनर्जी लेवल्स में कुल कक्षकों की संख्या n² होती है। तीसरा यहाँ पे देख लेते हैं, तीसरा क्या है, किसी कक्षक के भीतर केवल वही 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जो कि विपरीत स्पिन के होंगे, मतलब जिनका स्पिन जो है डिफरेंट होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जिनका जो स्पिन शो करता है उस वाले क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। फोर्थ है हमारा, परमाणु के किसी कोष में कुल उपकोषों की संख्या मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात n के बराबर होती है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसके कुछ अनुप्रयोग थे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने देखा है शुरू से पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वहां पे क्या होता है ये देखा, उसकी खोज किसने किया है ये देखा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे और इसके अनुप्रयोग को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे और भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये मिल सके देखने के लिए वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए और भी आगे लेकर आने वाली हूँ ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।